कोरबा में नियम के विरुद्ध कहीं भी राख डंप किए जाने से नाराज प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने अधिकारियों की जमकर लगाई फटकार। दरअसल कोरबा चांपा मार्ग पर भिलाई खुर्द वार्ड के समीप बड़े पैमाने में क्षेत्र में राखड़ डंप करके नियम के विरुद्ध राख का पहाड़ खड़ा कर दिया गया है। अधिकारियों की इस लापरवाही से आम लोगों की राखड़ धूल खाना पड़ रहा है, इससे और परेशानी बढ़ गई है। इसको देखते हुए मंत्री जयसिंह अग्रवाल खुद भिलाई खुर्द पहुंचे और मौके पर ही अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। जयसिंह अग्रवाल ने अधिकारियों को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि एक सप्ताह के भीतर राख को सिफ्ट नहीं किया गया तो अच्छा नहीं होगा। साथ ही शहर के बीच से ट्रकों की ट्रांसपोर्टिंग को रोकने के निर्देश दिए हैं। ये स्पॉट मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भिलाई खुर्द स्कूल के ठीक सामने राखड़ का पहाड़ बनाया गया है, बिल्कुल अवैध है और जिन अधिकारियों ने परमिशन दिया है वो गलत है, वो दोषी है इसमें, और इसके लिए मैं कार्रवाई के लिए लिखूंगा, जांच इसकी जांच की जाएगी। और मैंने एडिशनल कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, नगर निगम आयुक्त सभी को यही स्पॉट पे निर्देश दिया है कि इस राखड़ को जो एक्स्ट्रा है ऊपर जो उठाए रोड से इसको तत्काल हटवाएं और इसको प्लेन करवाएं तुरंत, ये मैंने निर्देश दिए हैं। और कोरबा मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कहीं भी राखड़ न पटाए, अगर कोई किसी की प्राइवेट जमीन है वो अपनी स्वेच्छा से डलवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम मना नहीं करेंगे, लेकिन सरकारी जमीनों पे लो लैंड एरिया में राखड़ भरने का प्रावधान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मिट्टी खोद के पहाड़ बना दो। ये मिट्टी खोद के पहाड़ बनाया गया है, ये बिल्कुल अवैध है, और जो भी आदमी इसको काम कर रहा है जिसकी भी राखड़ है उनके लिए भी चेतावनी है कि वो इस गलत काम से, अवैध काम से दूर हट जाए। दिया है जो भी अधिकारी पैसा खा के परमिशन देते हैं और कोयला की ट्रकें शहर से जो गुजर रही हैं उनको हमने बंद करने का निर्देश दिया है। बंद नहीं होता तो बंदियों को हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। ट्रांसपोर्ट नगर इसलिए बनाया जा रहा है।